प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से मैं आप सबको बाइबल वॉइस हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। प्रियो, एक नपुंसक जन्मने में किसकी दोष है? माँ की या बाप की, या इन दोनों के पाप के वजह से, या परमेश्वर की दोष है? नपुंसक ट्रांसजेंडर होकर जन्म लेने में किसके दोष है, या किसका श्राप है? नपुंसकों के विषय में संक्षिप्त विवरण पवित्र बाइबल के अनुसार देना चाहता हूँ। आप सबसे निवेदन है, यह वीडियो आखिर तक सावधान से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 11 से लेकर 12 वचन तक। उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो उसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। प्रियो, इस संसार में माता के गर्भ से ही नपुंसक बनकर पैदा होते हैं। माता के गर्भ ही से नपुंसक बनकर पैदा होते हैं, और स्त्री या पुरुष ऑपरेशन के द्वारा शरीर की अंगों को काट के बदलाते नपुंसक बन जाते हैं, यह गलत है। और कुछ नपुंसक जो स्त्री पुरुष के अंग रहते हुए भी अपने आप को स्वर्ग के लिए परमेश्वर के कारण नपुंसक जैसे बना लिया है। नपुंसक होकर माँ के गर्भ से ही जन्म लेना, इसमें ना माता की दोष है, ना पाप की दोष है, ना सृष्टि का दोष है, ना परमेश्वर का श्राप है। कारण भजन संहिता 127:3, गर्भ का फल उसकी ओर से, परमेश्वर के ओर से प्रतिफल है। हर परिवार के पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले आशीष तोहफा है वो गर्भ का फल। भजन संहिता 139:13 वचन, भक्त दाऊद बताता है, परमेश्वर के प्रेरणा से मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। और अयुब का 10:8 वचन, भक्त अयुब बताता है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। प्रियो, हर मनुष्य को माँ के गर्भ में बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह है। शरीर के हर अंगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से जोड़कर बनाता है। इस कारण माता के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहना पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य, वह स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, उन्हें परमेश्वर ही अपने हाथों से बनाया है। इसमें सोचने की कोई कमजोरी का बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही हर जाति का सृजनहारा है। जाति मतलब आप धर्म रिलीजन के बारे में मत सोचना, क्योंकि इस संसार में मनुष्य जाति, प्राणी जाति, पक्षी जाति, ऐसे कई सारे जातियां हैं। लेकिन इसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों को परमेश्वर ने बनाया। बाद में कई सालों के बाद में यह नपुंसक तीसरा जाति बनाने में क्या जरूरत पड़ा परमेश्वर को? जब नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया, तब कहें फूलो और फलो, सारे धरती पर भर जाओ। परमेश्वर के उद्देश्य से स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं, वैसे ही नपुंसक भी है। प्रेरितों के कामों के वर्णन 17:26 वचन में, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहते थे स्त्री पुरुष के द्वारा मैं खुशी से रहूं, वे संसार में बढ़ते हमेशा मेरे ही इच्छाओं को, सोच को, उद्देश्य को पूरा करें, पवित्र जीवन मेरे लिए जीवन बिताएं। लेकिन इस नर और नारी जिस दिन परमेश्वर ने बनाया, उसके थोड़ी दिन के बाद अपने को बनाए हुए परमेश्वर को भूल गए और शैतान की इच्छा पर चलते, बस हमेशा शरीर की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते जीने लगे। परमेश्वर को नहीं, संसार को, पैसे को, धन को और दौलत को, स्त्री को, पुरुष को और खुद की जीवन को ही अधिक प्रेम करने लगे। संसार की पापों से मगन होकर, संसार की बुरे इच्छाओं से मन लगाकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए। क्योंकि एक स्त्री की अंदर हो या पुरुष के अंदर हो, शरीर की इच्छाएं अनगिनती रहती है। परमेश्वर को जब एक स्त्री के जीवन और चाल के वजह से संतुष्ट ना मिले, एक पुरुष के जीवन और उसके चाल के वजह से संतुष्ट ना मिले, ये दोनों बस अपने ही इच्छा पर मन लगाते हुए जीवन बिताने लगे, तो परमेश्वर को तीसरा सृष्टि नपुंसक को माता के गर्भ में ही बनाना पड़ा। जन्म से नपुंसक हो तो वह परमेश्वर के उद्देश्य से जन्मा है, लेकिन स्त्री या पुरुष बनने के बाद वह नपुंसक वह इंसान खुद बना लेना, वह बड़ा पाप है। वे संसार में आए तो संसार के लोगों से अलग जीवन, अधिक परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए समर्पण करें, यह सोचकर उन्हें स्त्री की अभिलाषा के रहित
पुरुष के अभिलाषा के रहित बनाया परमेश्वर, क्योंकि एक स्त्री या पुरुष को पूछेंगे आप क्यों प्रार्थना सभा में नहीं आते हो, कहेंगे परिवार का समस्या है। पूछेंगे आप आज बाइबल अध्ययन और प्रार्थना किए, कहेंगे मेरे बच्चे बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने नहीं दिए। सेवा करने आते हो, कहेंगे नहीं ब्रदर घर पर बहुत काम है, कहेंगे अपने बच्चों को कल संडे स्कूल और बाइबल ट्रेनिंग में भेजते हो, कहेंगे नहीं सर कल उनका स्पेशल क्लास है, कहेंगे। शैतान स्त्री और पुरुष को इस संसार की आशा इच्छा के अभिलाषाओं में फंसा दिया है, लेकिन इस नपुंसकों का इस पारिवारिक परेशानियां समस्या नहीं रहते हैं। इस कारण वे अपना समय अधिक प्रार्थनाओं में, बाइबल अध्ययन में, सुसमाचार प्रकट करने में, पवित्र जीवन बिताने, आगे दौड़कर परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं, आगे दौड़कर इस पवित्र रिश्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहता है। इस कारण चाहते हुए परमेश्वर ने इन्हें माता के गर्भ में ही नपुंसक बनाया और इस संसार में लाया भी। इन्हें इनका जिंदगी में कई सारे इच्छा रहित बनाया परमेश्वर ने। पति का विषय का समस्या नहीं, पत्नी के विषय का समस्या नहीं, बच्चों के विषय का समस्या नहीं कि वे पैदा हो गए, पैदा करना है, पालन पोषण करना है, ऐसे कोई समस्या नहीं। यानी कि 75% शरीर की इच्छा और अभिलाषा के बिना अपने आप को अधिकतर समय प्रार्थना, सेवा, प्रचार, ऐसे अनेक परमेश्वर के कामों में जीवन लगा सकते हैं। कितना आशीषदायक जीवन है यह नपुंसकों का जीवन। लेकिन इस महान परमेश्वर के योजना उद्देश्य को ना समझें। समाज ने इन्हें भी अपने गलत पाप के मार्ग में खींच लिया है, वे भी गलत मार्ग में फंस गए हैं। स्त्री को, पुरुष को शैतान ने जैसे इस संसार की अभिलाषाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने से उन दोनों को दूर कर दिया अपने जाल में फंसा कर, वैसे इस नपुंसकों के अंदर भी संसार के लालसा और अभिलाषाओं को टिका कर उन्हें भी परमेश्वर से दूर कर दिया है। इस कारण परमेश्वर कहते हैं अब चाहे स्त्री होकर इस संसार में पात्र निभाना, पुरुष होकर जन्म लिए तो पुरुष का पवित्र पात्र निभाना, अगर नपुंसक होकर जन्म लिए तो उसमें नाराज नहीं होना है। वह पवित्र परमेश्वर का महान योजना है, उस जीवन को पवित्र से पात्र निभाना है इस संसार में। साथ में कुलसियों का 3:5 में इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। यानी कि हम मत्ती सुसमाचार 19:11-12 के अनुसार हम शरीर के अंग रहने के बावजूद भी उस शरीर के अंगों से करने वाले पाप की क्रियाओं को, पाप की समझ को, पाप की भावनाओं को मारते हुए अपने आप को स्वर्ग पाने को नपुंसक जैसे बन जाना बहुत जरूरत है। सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं, ऐसे परमेश्वर के कारण परमेश्वर के लिए जीना होगा। इस कारण ही यीशु मसीह के चेलों ने सब कुछ रहते हुए भी त्याग कर जीवन बिताए और सेवा और सुसमाचार प्रचार के कारण परिवार को, पत्नियों को, बच्चों को, संपत्ति, घर परिवार को, धन को, आखिरी में अपने नौकरी कामों को त्याग कर, अपने आप को त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े और यीशु मसीह के प्रचार में, यीशु मसीह के विश्वास में ही अपने जीवन को बलिदान कर दिए। इस कारण प्रियो यीशु को पाने के लिए, साथ में जीवन बिताने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए आप क्या त्यागना चाहते हो? बस इस संसार की कई सारे अभिलाषाओं को जो परमेश्वर से आपको अलग कर सकता है उसे त्याग कर परिवार में हो या समाज में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर के लिए जीवन अधिकतर समय समर्पण करो, तभी परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं। एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर का नाराज, एक पुरुष के द्वारा परमेश्वर का नाराज, आखिर में 3 जाति नपुंसक के द्वारा परमेश्वर को नाराज, लेकिन इन तीनों आज मिलकर इस शरीर के अंग रहने के बावजूद भी, नहीं रहने के बावजूद भी हमारे अंदर की भावनाएं, जो पाप के भावनाएं, जो पाप के स्वभाव, पाप की इच्छा, पाप की बुरे लालसा, व्यभिचार, झूठ, ऐसे कई सारे पापों को अंदर से मारकर हम यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएंगे, हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बिताएंगे, एक आत्मा को परमेश्वर के पास लाने के लिए जीवन बिताएंगे। सच में परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत ही संतुष्ट होते हैं और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने जो
सृष्टि करता है तुम्हें, आज भी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने जो मनुष्यों को सृष्टि करता है, उस मनुष्यों की सृष्टि के कारण परमेश्वर को आज भी संतुष्ट हो सकता है। जिस कारण परमेश्वर ने नाराज होते हैं, उसी कारण से हम लोग परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए आज एक मौका है। इसलिए सब कुछ रहने के बावजूद भी हम सब लोग अपने आप को नपुंसक के स्वभाव के जैसे हमें बनकर जीना बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से हम मिलेंगे। जय मसीह की।